I was talking with a woman, a homemaker. लास्ट टाइम में एक बार हम प्रचार कर रहे थे औरत घर को बनाती है बोल के. एंड इट मीन दैट अ वुमन इज द की. और वो औरत एक चाबी के रूप में. हाउ शी वांट्स हर हस्बैंड टू बी शी कैन मेक. वैसे वो पति को बनाने चाहती है वैसे वो बना सकती है. नॉट थ्रू योर मीन बाय फोर्स. आप जबरदस्ती पति को इच्छा करने छोड़ो बोल के नहीं होगा. ट्राई टू चेंज हिम. आप जबरदस्ती कभी परिवर्तन पति को कर नहीं सकते हैं. बट यू स्टार्ट बाउन इन योर नीड्स. लेकिन आपको घुटना में आना होगा. स्टार्ट टू प्रे. और प्रभु के साथ प्रार्थना करना होगा. शो योर ओन गॉड मीन यू बिहेव विद हिम प्रॉपरली. और आपका स्वभाव पति के साथ अच्छा तरीका से वर्तालाप करना होगा, दिखाना होगा. लव फिर अनकंडीशनल. और आप एकदम प्यार करना होगा जो प्यार दूसरा उनको कर नहीं सकता. एंड देन ही विल रियलाइज दैट ही हैव अ गुड लाइफ. और उस समय वो अनुभव कर सकता है सच में हम इतना धोखा देते हैं, इतना दुख देते हैं तो भी वो मुझे प्यार करती है. अच्छा मेरा पत्नी बहुत अच्छा है बोल के अनुभव कर सकता है. और एक दिन आपका देख रेख आपका प्रेम के चलते आपका पति को आप परिवर्तन कर सकते हैं और पति का प्रेम को आप पा सकते हैं. But you should pray. लेकिन आपको पहला तो प्रार्थना करना होगा. And then God will help you. तब तो प्रभु आपको मदद करेगा. To love him. और कैसे प्यार करना है. To care for him. और कैसे उसको देखरेख करना है. To respect him. और कैसे आदर करना है बोलते. To submit ourselves to him. और आपको अपने आप को अपना पति के अधीन करना होगा. And again he says that we as women we should love our own children. To love the husband and children. Now I came to children. अभी हम फिर बच्चे के ऊपर में आएंगे. पति का हो गया. So every woman love the children. हर एक औरत लोग अपना बच्चे को प्यार करती है. And I think there is no pure love in this world except the love of a mother. लेकिन माँ का जैसा प्रेम इस संसार में दूसरा प्रेम नहीं होता होगा. संसारिक प्रेम में माँ का जैसा गाढ़ा प्रेम और नहीं है. Because a mother sacrifices herself for her children. क्योंकि माँ अपने आप को बच्चे के लिए सरेंडर कर लेती है. Sacrifice. मैं बलिदान कर लेती है. I have three children. मेरे तीन बच्चे हैं. And I understood. हम समझ सकती हूँ. As a woman. औरत होने के कारण. How the and as a mother. और माँ होने के कारण. How much I have to care and I love for my children. और कितना तक हमको उन लोगों को देख रेख करना पड़ता है और प्रेम करना पड़ता है. And everything I have to sacrifice for myself. और इसीलिए तो हमको हर एक चीज में अपने आप को बलिदान करना पड़ता है. And I want to see the best in my own children. और हम यह देखना चाहते हैं कि मेरी बच्चा हर एक बात में बेस्ट निकले, अच्छा निकले. And if they disobey, ये लोग आज्ञा को उल्लंघन करे, it really make my heart pain. और मेरा हृदय को सच में हृदय दर्द होता है बच्चे आज्ञा नहीं मानने से. Because how much we love, कारण कितना हम प्यार करते हैं. And if they rebel against, और वो लोग उस प्रेम को नहीं समझ पाएंगे. Then it really make me pain. और हमको उस समय मेरा हृदय बहुत दर्द होता है. So a godly woman. और एक परमेश्वर का भय मानने वाली औरत होने के कारण. She love and care for her children. वो औरत अपना बच्चे को प्रेम करती है और देखभाल भी करती है. Not only this physical. ये खाली संसारिक प्रेम का बात ही नहीं. But in the spiritual life. लेकिन आत्मिकता का बात नहीं. She worried and she care for them. वो एकदम चिंतित होती है आत्मिकता में कैसे बच्चे को हुरकाए बोल के और इसके बारे में वो देख रेख करती है, चिंतित बने रहती है. Godly woman teach her children in the way that ईश्वर का डर रखने वाली औरत अपना बच्चे को सिखाती है कि कैसे ईश्वर का भय मानना और ईश्वर में कैसे बने रहना बोल के अपना बच्चे को सिखाते रहती है. Clean them. She disciplined them. और उन लोगों को वो अनुशासित करती है धर्म के रास्ता में. By showing a good example to them by herself. और वो अपने आप को उदाहरण में
सुखमय जीवन जीती है बच्चे के लिए, either in words or actions. वो चाहे वचन में हो, बोली में हो, चाहे कार्य में हो, उदाहरण बनती है. A mother have a wonderful opportunity to influence their children. माँ का एक महत्वपूर्ण भूमिका रहता है या माँ का एक मौका है कि बच्चे के लिए अपने आप को एक उदाहरण बन सके. Because the children, they grow up in front of our eyes. हम लोग आँख के आगे बच्चे बड़ा बनते जाएंगे. And every step that mother took mean the children they follow. और जो भी हर एक बात जो भी माँ सिखाती है वही बात को बच्चे फॉलो करते रहते हैं. The way you speak, आपका कैसे आप बोलते हैं, the way you act, और कैसे आप कार्य करते हैं, everything children they follow us. वो सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करते हैं आपका बच्चा. So that a godly woman should teach her child to be a fearing person. इसीलिए ईश्वर को भय मानने वाली औरत माँ ईश्वर का भय मानने सिखाती है बच्चे को. Since they were young, एकदम बच्चे बचपन से ही वो सिखाते रहती. Teach him in the way. लड़कपन से ही सिखाती कि परमेश्वर का रास्ता, परमेश्वर का मार्ग के बारे में वो सिखाते रही. माँ नीति वचन 22 का 6 पद ऐसा बोलता, बच्चे को जब वो छोटा हो बच्चा हो तभी सिखाओ ताकि वो बुढ़ापे में वो मार्ग भटक के न जाने पाए बोलता. छोटा में ही बच्चे को सिखाना चाहिए. When they are grow up, you will say no. When they will grow up, they will understand. Then I will start to teach. जब बच्चा थोड़ा बड़ा बनेंगे, तभी हम सिखाएंगे, बोलने लगेंगे, तो आप सिखा नहीं पाएंगे. When they are grow up, they will not listen to you. जब वो लोग बड़े बनेंगे, तो आपका बात को मानेंगे ही नहीं. But since they were young, you start to teach. इसीलिए जब वो बच्चे हैं, तभी आपको सिखाना होगा. When they grow up. लेकिन जब ये लोग बढ़ेंगे, they will remember what you have taught. तो उस समय माँ ने आपने जो सिखाया था वही बात को लोग याद करते रहेंगे. Discipline them. अनुशासित बनाइए, अनुशासन में रखिए. Don't learn, just leave them like this. Freely life. ये लोग का स्वतंत्र जीवन मत दीजिए, अनुशासन में रखिए. And then they will learn. तो लोग सीखेंगे. When you do not teach, अभी आप नहीं सिखाएंगे, one day you will learn. एक दिन यदि आप नहीं सिखाएंगे तो एक दिन आपको रोना पड़ेगा आपका बच्चे को देखते हुए. क्या आप यदि अपना बच्चे को अच्छा व्यक्ति बना हुआ देखने चाहते हैं? आपका बेटा या बेटी अच्छा बना हुआ आप देखने चाहते हैं? अभी छोटे से आप सिखाते रहिए. विशेष तो आपका मुख्य बात तो प्रार्थना है. Not only you speak with words, आप खाली वचन को बोलना नहीं है, but you through your actions and your words they will see and learn. लेकिन आपका कार्य और आपका वचन दोनों के अनुसार आपको सिखाना होगा. And that is when you love them, then you will treat them in the proper way. जब आप प्रेम करेंगे, प्रेम के साथ सिखाएंगे, तब तो लोग भी सही मार्ग में आपको फॉलो करेंगे और आपके साथ सिखाएंगे. विशेष करके जब बच्चा बढ़ते रहेंगे, जब वो लोग जवान बनते रहेंगे, टीनेजर में चले जाएंगे, छोटा में जैसे सिखाते थे वैसे सिखा नहीं पाएंगे. Especially for the youngster. जब विशेष करके जवान लोगों का, you cannot always shout at them. बच्चे जवान लोगों के लिए आप हरदम चिल्लाते रह नहीं सकते हैं. You cannot always scoring them. हरदम डांटते रहना भी नहीं है. And then that they will run away from home. यदि आप डांटते रहेंगे तो आपको घर छोड़ के भाग जाएंगे जवान लोग. Because that is their mean their age, not the teenager. उम्र ही वैसा होता है, इसीलिए डांटना नहीं है बड़ा लोगों को. So, but you have to discipline them. लेकिन आप अनुशासित करना होगा उन लोगों को भी. So you have to pray for them. इसके लिए आपको भी प्रार्थना करना है. So that they also they will learn how to
मीन टू लव एंड टू रेस्पेक्ट देयर ओन पेरेंट्स, तब वो लोग भी सीखेंगे अपना माता पिता को, पेरेंट्स को कैसे प्रेम करना है बोल के, आदर करना है बोल के, वो लोग जानेंगे। हालेलुया। एंड नाउ इन द लास्ट, अभी अंतिम में देयर आर सो मेनी पॉइंट देयर बट आई विल स्टॉप द पॉइंट, बहुत सारी पॉइंट है लेकिन हम ई पॉइंट करके खत्म करने चाहती हूँ। पांचवा पद, to be self-controlled and pure, to be busy at home, to be kind and to be subject to their husbands, so that no one will malign the words of और समय में पति पतिव्रतता घर का कारोबार करने वाली भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। Amen. Mean to be busy at home. इसका मतलब घर का कार्य में व्यस्तता में रहना। Here I put a homemaker. यहाँ हमने हम रखती हूँ कि घर को बनाने वाली। So the, a woman. इसका मतलब औरत इस एक बगीचा को देखने वाली, जैसे वो देखभाल करने वाली है, और वॉचर एट होम, और घर को देख रेख करने वाली है, और देखने वाली गाय एक संभालने वाली है। सर द पॉल डजंट हमें जा न जाए बोल के यह बोलने नहीं चाहता, बट ही आई मीन ही पॉइंटेड आउट दैट एज अ वुमन we have to care and look properly for own family and own house. लेकिन पौल यहाँ चाहता कि औरत होने के कारण, पत्नी होने के कारण हम लोग घर का देख रेख करें और घर को अच्छा से संभाले, यही चाहता है। आगे का पद में उसने बता चुका है कैसे पति को प्यार करना है, बच्चा को कैसे प्यार करना है बोलते, कैसे जीव को कंट्रोल करना है बोलते, और कैसे प्योर रहना है और अपने आप को कैसे कंट्रोल करना है बोलते। वी आर लिविंग इन सोसाइटी दैट वी लिव, हम लोग ऐसे समाज में रहते हैं, जो ऐसे जमाना में रहते हैं जो समाज है, स्पेशली व्हेन वी लुक टू द रूरल एरियाज, और हम लोग विशेष करके गांव एरिया को देखते हैं तो, एंड दे डोंट अलाउ द वुमन टू गो आउट फॉर वर्क, गांव एरिया में तो औरत को काम में जाने के लिए मना करता है, अलाउ ही नहीं करता है। एंड इवन हियर इन द सिटी आल्सो, शहर में भी कई परिवार में सम फैमिलीज दे डिड नॉट अलाउ फॉर वुमन टू गो आउट फॉर वर्क, कई परिवार अपना पत्नी को कार्य में जाने के लिए नहीं देता है बाहर निकलने के लिए। Why? Because they think that a woman is to take care and to look for family. क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि पत्नी का तो देख रेख करना है घर को, और बच्चे लोगों को देख रेख करना है, बाहर का काम नहीं करना है बोल के लोग सोचते हैं। But Paul here, he doesn't mean that we should not, we as a woman, we should not do any job. पौल का ये मतलब नहीं कि औरत होने के कारण, पत्नी होने के कारण बाहर का नौकरी न करें, कार्य न करें, ये नहीं कहने चाहता। But he says to be busy at home. लेकिन वो यहाँ इसलिए बोलता है घर का कार्य में व्यस्तता में रहें। And when you look in that book of Proverbs chapter 31 from verse 10 onward, I want you to read that. यदि आप नीति वचन 31 का 10 से उधर यदि आप समय निकलता तो आप पढ़िएगा। Here you can see the wise woman. और वहाँ ज्ञानी औरत का बारे में आप वहाँ पाते हैं। Not every woman they will be like the woman of Proverbs 31. और वहाँ सब 31 अध्याय का औरत का जैसा नहीं होता। But here with why Paul is said to be busy at home. लेकिन यहाँ औरत घर का कार्य में व्यस्तता में रहना बोल के क्यों बोलता? कोई कई जवान औरत लोग एकदम आलसी होते हैं। कोई कई औरत लोग आपको मालूम है 8 बजे 9 बजे उठने का हैबिट होता है उन लोगों का, एंड दे कैनॉट फिनिश देयर होमवर्क, और दिन भर में वो लोग घर का कार्य ही खत्म नहीं कर लेते हैं। यदि पति को सुबह काम में जाना पड़ेगा तो and you have to go hungry. भूखा भूखा पति को जाना पड़ेगा। Because
बिकॉज वाइफ स्टिल लेइंग ऑन द बेड क्योंकि पत्नी तो अभी भी बेड में सोई हुई पाते एंड व्हेन यू गो टू देयर होम और जब उन लोगों का घर में आप जाएंगे यू डिड नॉट रिकॉग्नाइज देम उन लोगों को आप समझ नहीं पाएंगे वेयर इज फ्लोर वेयर इज यूटेंसिल्स वेयर इज कहां बर्तन होता है कहां उसका कपड़ा रहता है कहां क्या रहता अस्त व्यस्त बनाया हुआ होता है घर क्योंकि अलसी होती है वो देयर इज नो प्लेस टू पुट योर फीट आपका पैर रखने का जगह भी नहीं होता कोई घर में बट हियर व्हाई आई सेड वुमन इज अ होम मेकर क्यों यहाँ औरत घर को बनाती है बोलता अ वुमन औरत शुड बी एक्टिव एंड स्मार्ट एकदम एक्टिव रहना चाहिए और स्मार्ट रहना चाहिए इन स्पेशली इन द होम वर्क विशेष करके घर का कार्य के लिए कुकिंग खाना बनाने में हो वॉशिंग बर्तन करे धोने में हो क्लीनिंग सफाई में हो होम डेकोरेशन घर का संवारने में इधर उधर डेकोरेट करने में हो नॉट ओनली वी आर सिटिंग ऑन द सोफा एंड ऑल 24 आवर्स 12 आवर्स वी विल सिट ऑन द रिमोट एंड वॉचिंग 2-3 सीरियल मींस How many hours serial we were watching? One serial complete, another serial we will watch. एक सीरियल खत्म हुआ दूसरा सीरियल खाली सोफा में बैठा पैर हिलाते हिलाते रिमोट चलाते एक के पीछे एक सीरियल खत्म करके बैठने का नहीं है एंड चिल्ड्रन दे वर हंग्री नॉट येट कुकिंग और बच्चे लोग भूखा भूखा रहते हैं माँ खाना ही नहीं बनाती बिकॉज व्हाई दे आर सिटिंग ऑन द सोफा एंड क्यों क्योंकि माँ तो सोफा में बैठ के सीरियल देखते रहती है एंड देन They depend on the maid. और कोई कई औरत लोग ऐसा था अपना नौकर जो आके नौकर नहीं आती है काम करने वाली उसी के ऊपर में निर्भर कर लेते हैं Their children they hang over, their husband they hang over. वो जो काम करने वाली के ऊपर में बच्चे भी जिम्मा देते हैं पति को भी उन लोगों के जिम्मा दे देते हैं And it become lazy. और क्योंकि वो औरत लोग अलसी बन जाती है But Paul here he wants that as a woman we should responsibilities. For our own children, own husbands, and for our family. और यहाँ पॉल चाहता है कि औरत को पत्नी को अपना पति के ऊपर में अपना घर बार के ऊपर अपने बच्चे के ऊपर में जिम्मेवारी बनना चाहिए बोल के यहाँ सिखाता है That we should not depend on others. और दूसरा में अपना घर बार जो पति पत्नी परिवार के बारे में दूसरा में जहाँ भरोसा करना नहीं है पूर्णता में डिपेंड रहना नहीं है Don't just sit without work. कार्य के बिना ऐसे मत बैठा कीजिए बट डू समथिंग लेकिन कुछ कुछ किया करें व्हेन यू रीड द प्रोवर्ब चैप्टर 31 जब आप नीति वचन 31 को पढ़ेंगे यू विल सी दैट द वुमन इन द 31 दैट द प्रोवर्ब 31 31वां नीति वचन जब आप पढ़ेंगे वहां आप पाएंगे द वुमन वो औरत शी नेवर सिट विदाउट वर्क कार्य के अलावा कभी भी नहीं बैठती The Bible is telling us even the half night she sits so that she can care for him. वहाँ ऐसा बताता है इवन आधा रात को उठ के पति का हर एक कार्य को वो प्रोवाइड करती है और व्यापारी लोगों का व्यापार का सामान को भी तैयार कर लेती है बोलता It means she helps for her husband to provide and the need in her family. और वो पति को अपना पति का कार्य में मदद करती है ताकि घर का आवश्यकता चीजों को पूर्ति कर सके So that, here Paul, he says to be busy at home. इसीलिए तो पॉल यहाँ बोलता घर का कार्य में व्यस्तता में रहे busy in cooking, busy in cleaning, busy with children looking. और खाना बनाने में धोने में इत्यादि में हम लोग बिजी रहना होगा देखभाल बच्चे का करने में बिजी रहना होगा There are some ladies. वहाँ कोई ऐसी औरत लोग घर का कार्य कुछ भी करने नहीं चाहती वो लोग ऐसे छोड़ देते हैं But they start to walk from one house to another house. लेकिन घर का काम तो नहीं करती लेकिन एक घर से दूसरा घर दूसरा से तीसरा घर में काम करने जाती है ढाई का काम एंड when husband's reaching home, जब उसका पति अपना घर में आता है काम से He cannot recognize him. वो घर को समझ ही नहीं पाता है Children they are in their own work and the wife just sitting. बच्चे लोग अपना अपना कार्य में व्यस्तता में रहते हैं पत्नी बैठी हुई होती है
And here we look, because of these things, all you want that as a woman to have a responsibility to look and to be guardian to a family. इसलिए पौल यह चाहता कि पत्नी को अपना परिवार को ऊपर में जिम्मेवारी बहन करना चाहिए बोलता That she should understand her own responsibility. ताकि वो अपना जिम्मेवारी को जानना होगा बोलता So that they can the family will be the happy family. ताकि वो परिवार के खुश का परिवार बन जाए Hallelujah. Hallelujah. So God will bless us through this few words. परमेश्वर इस छोटा वचन से आप और हमें आशीष करे